बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन आप देख रहे हैं वसीब मंठार, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रफ़ी। नाज़रीन आपको ये हार्वेस्टर मशीन दिखा रहे हैं। ये हार्वेस्टर मशीन की कई दिनों वाला काम घंटों में करते हैं। पहले लोग गन्ना हाथों के ज़रिए काटते थे और उसमें कई दिन लग जाते थे। 10-10, 15-15 आदमी एक एकड़ तकरीबन एक दिन में बड़ी मुश्किल से काटते थे, फिर उनको बांधते थे। उसके बाद ये रैपर का दौर आ गया, फिर कुछ आसानी हुई। अब जदीद दौर में ये हार्वेस्टर मशीन आ गई है, ये बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी गंदम काट लेती है और दाने घर पहुंच जाते हैं। ये सिर्फ हार्वेस्टर मशीन है, इसके साथ कुछ मशीनें ऐसी भी हैं जो कंबाइन हैं, वो तूड़ी भी बनाती हैं और गंदम भी साफ़ करती हैं। ये आपको जी हार्वेस्टर मशीन दिखाई जा रही है, ये तकरीबन एक दिन में 20-25 एकड़ काटती है और तकरीबन 6-7 हज़ार फी एकड़ ये ले रहे हैं कटाई का खर्चा, और ये तकरीबन एक एकड़ में 12 लीटर तेल पी जाती है। ये जी आपको जदीद हार्वेस्टर मशीन दिखाई जा रही है, ये देखें जी हार्वेस्टर मशीन गंदम काट रही है। पहले दौर में गंदम हाथों से काटी जाती थी, फिर उसको बंदे गंदम को एक जगह पर इकट्ठा करते थे और उसके बाद थ्रेशर वगैरह लगाते थे। थ्रेशर जब लगती थी तब भी बंदे इकट्ठे किए जाते थे। देखें जी आपको ये नाज़रीन हार्वेस्टर मशीन दिखाई जा रही है, ये कई दिनों वाला काम घंटों में करती है। अब भी जदीद दौर में ये बहुत ही आसान हो गया है गंदम की कटाई, सामने गंदम से घर बैठे एक ही दिन में पहुँच जाते हैं घर बैठे। इससे गंदम में भी जाया नहीं होती, बिल्कुल साफ गंदम होती है। प्रेशर में थोड़ा बहुत कचरा आ जाता है, इसमें गंदम बिल्कुल बहुत ही साफ होती है। अब भी इसके साथ पूरी बनाने वाली और मशीनें आई हैं, वो बनाएंगी अलग खर्चा लेते हैं। ये नाज़रीन आपको हार्वेस्टर मशीन हमने दिखाई, ये थी 2024 सीज़न का आगाज़ है, गन्नों की कटाई का आगाज़ हो चुका है। ये आपको हार्वेस्टर मशीन दिखाई जा रही है जी। जी नाज़रीन जो हाथों से गंदम काटी जाती है और फिर इकट्ठी की जाती है, उसके मुकाबले में ये एक तो मशीन बहुत ही सस्ती पड़ती है और टाइम की बहुत बचत होती है, और इसका फ़ायदा यही है कि कई दिनों वाला काम घंटों में हो जाता है, कोई लेबर की ज़रूरत नहीं है इतनी, घर बैठे बहुत ही आसान काम आज के जदीद दौर में गंदम की कटाई का हो रहा है। नाज़रीन आप हमारे YouTube चैनल वसीब मंठार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स भी करें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें। शुक्रिया।